करेगा राहु को मजबूत और बनाएगा इन चार राशियों को करोड़पति। जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। दोस्तों, शनि की मौजूदगी तो आपकी जिंदगी में उथल पुथल लाती ही है, और अगर आपकी कुंडली में राहु भी विराजमान हो तो सोचिए क्या होगा। आप डरिए नहीं, क्योंकि आज मैं आपको उन चार राशियों के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें राहु विराजमान है और शनि की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है। लेकिन ये राशियां बदकिस्मत नहीं है, बल्कि बहुत खुश नसीब है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए आपको उन चार खुश नसीब राशियों के बारे में बताने वाला हूँ जो राहु की मौजूदगी और शनि की दृष्टि की बदौलत 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 नवंबर 2023 के बीच धनवान हो जाएगी, मालामाल हो जाएगी, और जिनकी जिंदगी में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। क्या उन चार राशियों में आपकी राशि भी शामिल है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि मैंने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है और वह सारी हमेशा सच भी हुई है। मैंने गुजरात चुनाव से पहले सितंबर में ही भविष्यवाणी करते हुए कहा था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, और मेरी यह भविष्यवाणी गुजरात को लेकर 100% सही साबित हुई है। आप चाहे तो 18 सितंबर के वीडियो को ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बिना देर किए उन लकी चार राशियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। इस लिस्ट में सबसे पहली राशि है वृषभ। दोस्तों, जिनकी भी राशि वृषभ है वह इस जानकारी को ध्यान से जरूर सुने। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में राहु द्वादश स्थान में गोचर कर रहे हैं और इन पर शनि की तीसरी दृष्टि बनी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शनि की दृष्टि ही राहु को 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। ये जैसे ही आपकी कुंडली में प्रवेश करेगा, आपके हजारों काम बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर आप विदेश में अपना बिजनेस जमाने की सोच रहे हैं, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके यह काम पूरे हो जाएंगे, यानी अब आप विदेश जाकर अपना बिजनेस जमा सकेंगे। विशेषकर 17 जनवरी 2023 के बाद जब 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा, आपकी जिंदगी के लिए नए पन्ने खुल जाएंगे। स्टूडेंट भी विदेश जाकर पढ़ाई पूरी करने के अपने सपने को साकार कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से दो चार रहे, तो अब आपको इनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। खासकर अगर आपको आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम है, पेट हार्ट से संबंधित बीमारियां है, तो वह भी ठीक होने लगेगी। दोस्तों, शनि आपके रिश्ते को भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे आपके अपने पति या पत्नी से नहीं बन रही है, तो उनके साथ रिश्ते संवरने लगेंगे, या फिर ससुराल पक्ष से मतभेद बना हुआ था तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, यानी किसी प्रॉपर्टी पर कानूनी कार्यवाही चल रही है, तो अब वह कानूनी विवाद सुलझ जाएगा और फैसला आपके पक्ष में आएगा। साथ ही अगर आप अपनी पैतृक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो इस वर्ष आप अपने इस अधूरे काम को भी पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छी और बड़ी खुशखबरी है ये होगी कि जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने बिजनेस के लिए बड़े से बड़े इन्वेस्टर मिल जाएंगे, जो उनकी एकदम से दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। और दोस्तों, शनि राहु को इतना मजबूत बना देगा कि अगर कोई आपका शत्रु है जो आपके पीठ पीछे से नुकसान पहुंचा रहा है, तो अब वह ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर आपका सुनहरा समय शुरू हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में दूसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को वृषभ राशि के जातकों से भी ज्यादा लाभ मिलेगा, शनि राहु को मजबूत बना देंगे। इससे मिथुन राशि के जातकों को वो सब मिलेगा जिसकी वो अब तक सिर्फ कामना ही करते थे। सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों, इस समय राहु आपके आस्थान में गोचर कर रहे हैं और
क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जब राहु आस्थान में होते हैं तो ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फलदाता के रूप में माने जाते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 17 जनवरी 2023 के बाद शनि राहु को कई गुना ज्यादा मजबूत बनाएंगे तो आपकी आय में वृद्धि होना तय है। आपके पैसे जहाँ जहाँ फंसे है वह सब निकल जाएंगे, आप कर्ज से मुक्त हो जाएगी और देश दुनिया में आपकी प्रसिद्धि बढ़ने लगेगी। साथ ही विदेश जाने की संभावना बढ़ जाएगी और अपनी संतान के साथ आपके संबंध सुखद और मधुर बन जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों राहु की मौजूदगी आपके लंबे समय से चल रही बीमारियों को भी ठीक करने में अहम भूमिका निभाएगी और अगर आपके लव रिलेशनशिप में संकट के बादल छाए हुए थे, आए दिन प्रेम प्रेमिका के बीच अनबन चल रही थी, वह सब सुलझ जाएगा। आपकी रोमांटिक लाइफ खुशहाल हो जाएगी। साथ ही भाई बहन, चाचा, मामी, मामा आदि किसी के साथ भी अगर तालमेल खराब चल रहा था तो वो सब अब बेहतर हो जाएगा। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आपको अब अपनी नौकरी से बहुत फायदा मिलेगा और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन या राजनीति से जुड़े हुए हैं तो सफलता की 100% गारंटी है। दोस्तों आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि जब धन का आगमन बढ़ता है तो जिंदगी के सारे गम कम हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा ही होगा। आय के इतने स्रोत खुल जाएंगे और पैसों की इतनी वर्षा होगी कि तमाम सुख समृद्धि आपके घर तक पहुंच जाएंगी। इस सूची में तीसरी राशि है कर्क। शनिदेव कर्क राशि के जातकों की कुंडली में भी राहु को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु को कर्म क्षेत्र में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया है और आपकी कुंडली में राहु कर्म क्षेत्र में विराजमान है। राहु की स्थिति आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बन गई है और जब शनि की दृष्टि इन पर पड़ेगी तो ये 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप कई महीनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं या मन चाहे नौकरी नहीं मिल रही है तो अब आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है, या यूं कहे कि परेशानी के दिन अब बीत गए क्योंकि अब आपको मनचाही नौकरी मिलेगी। यही नहीं, इस वर्ष आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। सीनियर अधिकारियों के साथ जो मतभेद चल रहा था वह निपट जाएगा। इसके साथ ही अगर आपकी अपने पिता के साथ ही बिजनेस को लेकर किसी तरह का मतभेद चल रहा था तो वह भी खत्म हो जाएगा और अब वह आपको पूरा सपोर्ट भी देने लगेंगे। बेहतर नौकरी, आय में वृद्धि की वजह से समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य की बात करूं तो अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा था तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। विशेषकर आपकी माँ का स्वास्थ्य अब बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यह रहेगी कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया था और वह पैसा नहीं मिल पा रहा था, यानी कि किसी जगह पैसा फंस गया था, तो वह वापस मिलेगा। अगर आपने कर्ज लिया था तो वह अब कर्ज चुका देंगे और ऋण मुक्त हो जाएंगे। साथ ही अगर आपकी संतान ने कोई बिजनेस शुरू किया था लेकिन वह डूबने लगा था तो अचानक ही उसमें फायदा होने लगेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आपकी जिंदगी के सुनहरे दिन वापस आने वाले है। दोस्तों अब इस लिस्ट की आखिरी राशि की बात करते हैं। यह राशि है कन्या राशि। आपकी कुंडली में 17 जनवरी से 29 नवंबर 2000 तक राहु अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव के शनि कारक होते हैं और शनि तीसरी दृष्टि से अपने कार्य तत्व स्थान को देखेंगे जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। ऐसी स्थिति में राहु आपको क्या कुछ दे सकते हैं? बहुत कुछ जी। दोस्तों सबसे पहले तो आप पर जितने मुकदमे चल रहे थे अब वह सुलझ जाएंगे और फैसले आपके पक्ष में आ जाएंगे। अगर ससुराल पक्ष से मतभेद चल रहा था तो वह दूर हो जाएगा। अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था या उस पर केस चल रहा था तो वह विवाद भी अब पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही धन स्थान पर भी राहु की दृष्टि है, यह आपकी लव लाइफ को बेटर बनाएंगे। पार्टनर्स के बीच बहुत सारा प्यार पनपने लगेगा और शादीशुदा दाम्पत्य जीवन में भी जिंदगी बेहतर होने लगेगी। साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आपकी मदद करेगा। इससे घर वालों की नजरों में आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी।
आपका सबके सामने विशेष सम्मान होगा। इसके अलावा राहु की दृष्टि आप पर इतनी विशेष रहेगी कि आपको इस पूरे वर्ष अचानक कभी भी धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में उन्नति होती रहेगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी और व्यवसाय में जो जरूरी बदलाव नहीं कर पा रहे थे तो वह सब अब आप कर सकेंगे। इस साल आप अपना एक वाहन भी खरीद सकेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आपकी जिंदगी का काया पलट हो जाएगा और खुशियां आपकी झोली में आ गिरेगी। दोस्तों भले आने वाला साल आपके लिए खुशियों भरा रहे, फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा सबके अपने कर्म होते हैं और कर्म अनुसार भाग्य कभी भी बदल सकता है। इसलिए आपको सुझाव दूंगा कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।